अटल टनल के बाद आज लेह लद्दाख को एक और नई सौगात मिल गई। पहाड़ में ब्लास्ट के साथ जोजिला टनल का काम शुरू हो गया। 3 अक्टूबर को ही पीएम मोदी ने हिमाचल के रोहतांग में दुनिया की सबसे लंबी अटल टनल का उद्घाटन किया था। और अब लेह लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने के बाद भारत जम्मू कश्मीर में चीन तक एक और टनल का काम शुरू करने जा रहा है। श्रीनगर और कारगिल को जोड़ने के लिए जोजिला टनल बनाने का काम आज से शुरू हो गया। इस सुरंग के निर्माण कार्य का शुभारंभ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ब्लास्ट से किया। इस बात की जानकारी नितिन गडकरी ने खुद ट्वीट कर दी थी। आपको बता दें कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ के सीने को चीर कर बनाई गई अटल सुरंग की वजह से लेह लद्दाख जाने का रास्ता साल के 12 महीनों के लिए खुल गया है। इसकी बदौलत अब हमारी सेना बड़ी तेजी से सरहदी इलाकों में अपना साजो सम्मान पहुँचा रही है, फिर चाहे वो आर्टिलरी का सामान हो या फिर राशन की सामग्री। और अब कारगिल से जोड़ने वाली जोजिला टनल का भी निर्माण शुरू हो चुका है। ये टनल हर लिहाज से दुनिया की सबसे आधुनिक सुरंगों में से एक होगी। अटल टनल की तरह ही जोजिला सुरंग बनाने का सपना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था, जिसे अब मोदी सरकार पूरा करने जा रही है। कारगिल के जोजिला दर्रे को दुनिया का सबसे खतरनाक दर्रा माना जाता है। टनल के बनने से एक तो इसे पार करने का जोखिम कम होगा और जो दूरी को तय करने में 3 घंटे लगते थे वो महज 15 मिनट में पूरी हो जाएगी। जोजिला सुरंग श्रीनगर, कारगिल और लेह को आपस में जोड़ने में मददगार होगी। सुरंग से सेना को न सिर्फ चीन बल्कि पाकिस्तान की सीमा पर भी जवानों की तैनाती में काफी मदद मिलेगी। 14 किलोमीटर लंबे इस टनल का निर्माण 11,500 फीट की ऊंचाई पर किया जाएगा। टनल को बनाने में करीब 6,500 करोड़ की लागत आएगी। टनल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। इसके लिए टनल के साथ ही एक 18 किलोमीटर लंबी अप्रोच रोड भी इस प्रोजेक्ट में बनाई जाएगी। टनल के अंदर बड़ी संख्या में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और टनल में एक ट्यूब भी बनाई जाएगी जिसमें दोनों तरफ का ट्रैफिक आ जा सकेगा। दरअसल इस टनल को बनाने के लिए करीब 30 साल से मांग हो रही थी। साल 2005 में टनल बनाने के लिए प्रोजेक्ट की प्लानिंग शुरू हुई थी और प्रोजेक्ट रिपोर्ट साल 2013 में BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार की थी। इसके बाद साल 2015 में पीएम मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी। इसके 5 साल बाद अब इसका निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। और चीन पाकिस्तान के अटल टनल को देख कर तो वैसे ही होश उड़े हुए थे और अब जोजिला टनल भी उनके छक्के जरूर छुड़ाएगी, क्योंकि सीमा पर अब सैनिकों के लिए हर सामान तुरंत पहुंचाया जा सकता है। इस वीडियो पर आप भी अपनी राय रखिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।